दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। चावल का एक दाना। शोभित एक मेधावी छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था, पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे। कारण था पढ़ाई को लेकर उसका घमंड और अपने बड़ों से तमीज से बात न करना। वो अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता और अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता। खैर, दिन बीतते गए और देखते देखते शोभित स्नातक भी हो गया। स्नातक होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकला। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगा था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा हो न सका। काफी प्रयास के बाद भी वो सफल न हो सका। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता और वो उसे न लेते। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रस्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी उससे बहुत स्नेह करते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। चूंकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। शोभित अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। मास्टर साहब घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मास्टर साहब ने शोभित से कहा, जाके देख के आओ कि चावल पके कि नहीं। शोभित अंदर गया। उसने अंदर से ही कहा कि सर चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर साहब शोभित की तरफ मुस्कुराते हर बोले, शोभित तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? शोभित बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वो पक चुका था, तो मतलब चावल पक चुके हैं। मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। शोभित उत्सुकतावश मास्टर जी की ओर देखने लगा। मास्टर साहब समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयां कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफी है ये बताने को कि अन्य चावल पके या नहीं। हो सकता है कुछ चावल न पके हो, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण है और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना से कहीं ज्यादा जरूरी है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब कोई इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो, और अधपके चावलों की तरह ही कोई इस तरह के कैंडिडेट्स भी पसंद नहीं करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मास्टर जी के यहाँ से नई एनर्जी लेके जा रहा था। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कोई न कोई बुराई होती है, जो हो सकता है हमें खुद नजर न आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत भाप लेता है। अतः हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से चखे उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।